बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली से। शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, कल हुई थी यूजीसी नेट की परीक्षा जिसे रद्द कर दिया गया है। गड़बड़ी की शिकायत के बाद परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। 18 जून को एग्जाम हुआ था, इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। यूजीसी नेट की परीक्षा जो कि 18 जून यानी कि कल हुई थी, वो परीक्षा रद्द कर दी गई है। गड़बड़ी की शिकायत मिली थी इस एग्जाम के दौरान, जिसकी वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है। लाखों की संख्या में छात्र बैठे थे इस एग्जाम को देने के लिए, अब ये एग्जाम रद्द कर दिया गया है। यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। एग्जाम की नई तारीख को लेकर क्या फैसला है, क्या ऐलान है, वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल जो बड़ी खबर है वो यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया, ये बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। और जो गड़बड़ी की आशंका जताई गई थी, शिकायत दर्ज हुई थी, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। तो बीते दिनों जिस तरह से नीट एग्जाम को लेकर बवाल मचा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, देश भर में तमाम विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं, और इसी बीच एक और बड़ी गड़बड़ी की आशंका कल यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर हुई थी, शिकायत हुई थी, जिसके बाद तुरंत ही फैसला लिया गया, यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। तो शिक्षा मंत्रालय की ओर से यह फैसला बहुत तुरंत लिया गया, बड़ा फैसला लिया गया है। यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द करने का फैसला तुरंत ही ले लिया गया। कल ही एग्जाम हुआ था जिसके बाद गड़बड़ी की शिकायत हुई थी, और अब आज उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।